Hi everyone, I hope you are fine. I am Dr. Nishtha Jain from alphatravelblog.com. और चलिए आज हम पचमढ़ी की वर्चुअल सैर करते हैं. सो लेट्स सी वहाँ पर घूमने के लायक कौन सी सुंदर जगह हैं. आप अगर वहाँ जाते हैं तो आप कौन सी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. लेट्स सी देम वन बाय वन. ओके सो सबसे पहला जो है वहाँ पचमढ़ी एक्चुअली एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है और मध्य प्रदेश का बहुत ऊंचा और बहुत अच्छी जगह है. सो वहाँ पे बहुत सारी जगह है घूमने की. कुछ वहाँ पर माइथोलॉजिकल भी ट्रेल्स जुड़ी हुई हैं, कुछ लॉर्ड शिवा से जुड़ी हुई हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो हम देखते हैं एक के बाद एक कि कौन सी चीज़ें वहाँ पर हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं घूमने, जहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं जाके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज बी फॉल्स. यस, बी फॉल्स एक बहुत ही सुंदर जगह है, एक बहुत सुंदर वाटरफॉल है एक्चुअली जहाँ पर, और यहीं से सारा जो पीने का पानी है पचमढ़ी में वो सारा यहीं से सप्लाई होता है. इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, यू मस्ट विजिट इट. एंड द सेकेंड वन इज जटाशंकर कैवर्न्स. यस, जो जटाशंकर गुफाएं हैं वहाँ पर वो भी बहुत फेमस है और उनको बहुत होली और रिलीजियस जगह माना जाता है, जो कि काफ़ी हद तक एसोसिएटेड है लॉर्ड शिवा से, जो जब वहाँ पर छुपे थे तो वो इसलिए छुपे थे क्योंकि वो भस्मासुर की जो जो शक्तियाँ थी उनसे बचना चाहते थे. सो तो उनसे छुपने के लिए, उनसे बचने के लिए वो इन जटाशंकर केव्स में छुपे थे. सो यू मस्ट विजिट दीज टू. देन पांडवा केव्स. यस, पांडवा केव्स वो जगह है जहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि पांडवों को निकाल दिया गया था, जब सोसाइटी ने उन्हें अनएक्सेप्टेबल बना दिया था, तो वो वहाँ पर छुपने के लिए गए थे उस पीरियड में. सो इसलिए इनका नाम है पांडवा केव्स. अभी फ़िलहाल ये शील्डेड है, यहाँ पे काफ़ी प्रोटेक्शन भी है, लेकिन लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं इस जगह को देखने के लिए. सो डोंट मिस इट टू. देन इट्स धूपगढ़. यस, धूपगढ़ इसका नाम ही इसलिए पता है क्योंकि यहाँ पे जो नाइट फॉल्स हैं, जो डॉन्स हैं, स्पेशली जब सूर्यास्त होता है, तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है. सो आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए इस जगह पर टू एक्सप्लोर दैट डॉन, दैट नाइट फॉल, दैट व्यू, जो सनसेट व्यू होता है, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा यहाँ से. ओके एंड देन इट्स हांडी खो. यस, ये जो जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये वैलीज जो बनी होती हैं, घाटियाँ जो हैं, ये सबसे सुंदर घाटी है वहाँ की. और ये 300 फीट हाई है, इसकी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा है, 300 फीट तक है, लेकिन ये बहुत सुंदर जगह है और ये भी किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड है विथ लॉर्ड शिवा. द नेक्स्ट वन इज महादेव स्लोप. यस, ये भी जो लोकेटेड है, ये 1363 मीटर की हाइट पर लोकेटेड है. और ये किस लिए फेमस है, यहाँ पर लॉर्ड शिवा की एक बहुत सुंदर जो वेदी है वो मिलती है, और जो भी शिवलिंग है इंडिया में लॉर्ड शिवा के, उसमें से काफ़ी जो इम्पोर्टेंट और सबसे सुंदर जो शिवलिंग है उनमें से एक यहाँ पर है. तो ये बिल्कुल देखने लायक जगह है, यू हैव टू गो टू इट. देन डचेस फॉल्स. यस, क्वाइट पॉसिबली द मोस्ट वंडरफुल फॉल्स. यस, एक्चुअली ये वहाँ का बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, और ये जो है ये बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है और काफ़ी अच्छी थंडर की एकदम आवाज़ आती है उसमें और बहुत सुंदर व्यू आता है. देन द सतपुरा नेशनल पार्क. यस, ये एक बहुत सुंदर जगह है, ऑफकोर्स फॉर दोज पीपल जिनको ग्रीनरी पसंद है, जिनको वो सिटी की लाइफ से, वो भाग दौड़ की लाइफ से एक रिट्रीट चाहिए, एक गैप चाहिए, एक ब्रेक चाहिए, उन लोगों के लिए बहुत ही सुंदर जगह है क्योंकि इसमें नेचुरल जो ब्यूटी है वो देखने को मिलती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बहुत ग्रीनरी है, फिर एनिमल्स हैं अलग अलग तरह के, नो जंगल सफारी, एलिफेंट राइड, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं यहाँ पर. सो यू हैव टू गो टू इट. देन द नेक्स्ट वन इज प्रियदर्शिनी पॉइंट. इसको फॉर्सिथ पॉइंट भी बोलते हैं क्योंकि जो कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ थे, उन्होंने जब पचमढ़ी, व्हेन ही फाउंडेड पचमढ़ी 1857 में, तो इसी पॉइंट पर वो थे जब उन्होंने इसको डिस्कवर किया था पचमढ़ी को. सो ये उन्हीं के नाम पे रखा हुआ है, फॉर्सिथ पॉइंट, या उसको हिंदी में प्रियदर्शिनी पॉइंट भी बोलते हैं. और प्रियदर्शिनी पॉइंट जो है ये जगह, यहाँ पे एक फाल्कन्स आई व्यू जो होता है जिसमें आपको पूरा पचमढ़ी दिखता है,
इन शॉर्ट आप ये भी समझ सकते हैं, तो इस स्लोप स्टेशन से पूरा पचमढ़ी की आपको एक व्यू आ जाता है अच्छा सा। देन चौरागढ़ टेम्पल, यस ये भी एक बहुत रिस्पेक्टेड शिवा सेंचुरी है, लॉर्ड शिवा की एक बहुत ही सुंदर और बहुत रिस्पेक्टेबल जगह है। और लेकिन हाँ, जो शैवाइट हैं, जो शिवजी के भक्त हैं, उनको ऑलमोस्ट 1300 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है इस सेंचुरी पर पहुँचने के लिए। सो यस, थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन यू विल लव इट व्हेन यू रीच देयर, सो यू मस्ट गो टू इट। और यस, यहाँ पे बहुत सारे हार्पून्स भी रखे होते हैं, स्पेशली वो जो मछली वगैरह पकड़ने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं, वो भी काफ़ी सारे यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग फिशिंग पर भी जाते हैं, तो आपको एक बार ये ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। देन अप्सरा विहार, यस अप्सरा विहार एक बहुत ही सुंदर और बहुत पीसफुल, काम, शांत कैस्केड है, एक वाटरफॉल है, और ये 30 फीट की हाइट से गिरता है, तो ये भी बहुत सुंदर जगह है। लेकिन यहाँ पे वो थंडर वाली आवाज़ें और ये सब नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है, तो आपको यहाँ भी एक बार जाना चाहिए अगर आपको सुकून चाहिए वहाँ तो। ऑलराइट, देन बड़े महादेव, यस ये जो केव है बड़े महादेव की, यहाँ पर भी लॉर्ड शिवा का एक बहुत ही अच्छी वेदी जो है ये यहाँ पर स्थापित है, और इनके साथ साथ ब्रह्मा विष्णु और गणेश जी की भी वेदियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आपको इन पर भी जाकर एक बार ज़रूर दर्शन करना चाहिए, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। देन रीचगढ़, यस ये नाम पड़ा है रीच के ऊपर, राइट तो ये जो कि गोलियत बेयर इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको हम रीच बोलते हैं, और इस रीच के ऊपर यह नाम पड़ा है कि जब यहाँ पे पहले एक बहुत बड़ा सा रीच रहा करता था, उसी के ऊपर से ये नाम पड़ा है, और अभी फिलहाल ये बहुत ही कूल, बहुत ठंडी हवा इधर से उधर ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट बहुत ठंडा हो जाता है, ये उसके लिए बहुत फेमस है। देन द बफेलो लॉज, यस बफेलो लॉज में जो कैप्टन फोर्सेस थे जिन्होंने डिस्कवर किया था पचमढ़ी को, वो यहाँ पर रुके थे, यहीं पर रहते थे वो। एंड और यहाँ पर जो म्यूज़ियम है, वो म्यूज़ियम में बहुत सारे पिक्चर्स हैं, मॉडल्स हैं, और अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ के एनिमल्स की, वहाँ के यू नो वहाँ जो सुंदर जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो सारी एक तरह से कलेक्टेड है इस म्यूज़ियम में, तो ये भी एक देखने लायक चीज़ है। देन द राजेंद्र गिरी सनसेट पॉइंट, ओके सो जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, एक सनसेट पॉइंट है, यहाँ पर जब सनसेट होता है, जब सूर्यास्त होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये जो नाम रखा गया है, ऑफकोर्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर रखा गया है, जो एक बार यहाँ पर एक बहुत स्पेशल गेस्ट भी रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ये नाम रखा गया था। सो दिस इज़ अ प्लेस वर्थ विजिटिंग, सनसेट तो आई गेस सबको ही बहुत पसंद आते हैं, तो यस यू मस्ट गो टू दिस प्लेस। देन रजत प्रपात वाटरफॉल, ओके रजत प्रपात जो वाटरफॉल है, ये जो रफ स्लोप्स हैं, आड़े टेढ़े जो ऊपर नीचे होते हुए स्लोप्स हैं सतपुरा के, वहाँ के बीच में से निकलता हुआ ये वाटरफॉल है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पिक्चर में, इस तरह का ये वाटरफॉल है, ये भी बहुत सुंदर है, और जब इस पर जो सनलाइट पड़ती है तो एक बहुत ही स्पार्कलिंग सिल्वर इफेक्ट आता है, एकदम चांदी जैसा दिखने वाला कलर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है वो, यू एक्चुअली मस्ट गो टू इट, रियली बहुत ही सुंदर लगता है। देन क्राइस्ट चर्च पचमढ़ी, यस ये एक बहुत ही पुराने ज़माने का चर्च है, और ये बनाया हुआ भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुराने ज़माने में जो चर्च और जो ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनते थे, ये आपको बिल्कुल वही फील देता है कि ये उसी ज़माने का है, 1800s का। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर और देखने लायक जगह है, यहाँ पर बेल्जियन ग्लास, स्टोन्स, अलग अलग तरह के ये सब यूज हुए हैं, और हाँ यहाँ पर एक छोटा सा बरियर ग्राउंड भी है जिसको हम कब्रिस्तान बोलते हैं, ये भी यहाँ पर एक छोटा सा बना हुआ है। देन गुप्त महादेव, ये भी एक छोटा सा स्पॉट है वहाँ पर, महादेव से आपको समझ में आ रहा होगा लॉर्ड शिवा, तो उन्हीं से रिलेटेड ये स्पॉट बना हुआ है, ये एक छोटी सी गुफा है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा निकल पाना वहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आपको जाना पड़ता है इस गुफा में, लेकिन आप एक बार पहुंच गए तो ऑफ कोर्स वो जो मेहनत है वो वर्थ है, ये भी बहुत सुंदर जगह है। ओके और यस ऑफ कोर्स ये A1 कैब सर्विसेज
आपको अगर वहाँ पर कुछ भी ट्रैवल करना है, कहीं भी जाना है, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट एवन कैब सर्विसेज. आपको बहुत ही रिलायबल और बहुत ही ट्रस्टवर्दी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी. दीज आर द नंबर्स. आप इन नंबर्स में से किसी पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड वेन एवर यू आर प्लानिंग योर जर्नी, डोंट फर्गेट टू कॉल दीज नंबर्स. यस, ओके. सो आई होप मैं आपको एक छोटी सी सैर करवा पाई हूँ पचमढ़ी की. एंड उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए यू मस्ट विजिट पचमढ़ी एंड द प्लेसेज आई हैव मेंशन स्पेशली. या थैंक यू सो मच. विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.